डेवलपमेंट फंड्स और कौमी निसाब के आगाज की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ भी तकरीब में शरीक। फंड से आइंदा 4 साल में 10 अरब रुपए के वज़ाइफ मेरिट पर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल का अहम फैसला आज। IMF का पाकिस्तान को $3 अरब देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। पाकिस्तान से मुतालिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की 11 माह की कोशिशों से फाइनेंसिंग गैप प्लान भी दे दिया गया। वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन का साबिक वजीर आजम को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा। कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस सबके सामने है। फॉरेन फंडिंग भारत और इसराइल से होती रही है, ये बैरूनी साजिश थी जिसके ताने बाने हम सामने लाए थे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। NDMA मानसून बारिशों की मुतवक्के बारिशों पर मुतहरिक। चेयरमैन NDMA की सदारत में खसूसी बैठक। आइंदा बारिशों और आबी जखायर की सूरतहाल पर चेयरमैन NDMA की मुतलका इदारों को अलर्ट रहने और दरियाओं नदी नालों की मुसलसल निगरानी। आबादियों के बरवक्त इनखला और महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए हिदायत। और सुप्रीम कोर्ट ने दौरान सफर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखने के लिए खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। क्या जवाब बनता है कि आप कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौरान समात रिमार्क्स।